अब अपन चर्चा करेंगे IUPAC पद्धति के बारे में, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अंतर्राष्ट्रीय विशुद्ध एवं अनुप्रयुक्त रसायन संघ के बारे में। इस IUPAC पद्धति से सबसे बड़ी बात है कि इसका नामकरण कैसे किया जाएगा, तो वो चीज़ें मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझा पाऊँ, और समझ में आ जाए तो मुझे बता देना कि आपको समझ में आ गई है। IUPAC पद्धति से नामकरण के लिए तीन चीज़ें पहले इम्पोर्टेंट हैं। पहली चीज़ तो पूर्व लग्न, दूसरा आ जाएगा अपने अनुलग्न, और दोनों जब आपस में मिलेंगे तो उस हाइड्रोकार्बन का नामकरण हो जाएगा। तो पूर्व लग्न और अनुलग्न अपने को कैसे लगाने, किस प्रकार से पूर्व लग्न और किस प्रकार से अनुलग्न, तो कार्बन परमाणुओं के अंदर किसी कार्बनिक यौगिक के अंदर कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर पूर्व लग्न लगाएंगे, कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर, कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर पूर्व लग्न लगाएंगे और अनुलग्न अपन लगाएंगे वो बंध के आधार पर, बंध के आधार पर अपन अनुलग्न लगाएंगे कार्बन कार्बन के बीच में, जैसे सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, उसके आधार पर अपन अनुलग्न लगाएंगे और पूर्व लग्न कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर। तो आइए मैं एक एक कर बताता हूँ। मान लो किसी कार्बनिक यौगिक के अंदर कार्बन परमाणु की संख्या एक है, तो पूर्व लग्न होगा मैं। मान लो कार्बन परमाणु की संख्या दो है तो पूर्व लग्न होगा ए। कार्बन परमाणु की संख्या तीन है तो प्रो, चार है तो ब्यूट, मैथ ए प्रो ब्यूट पेंट हैक्स हैक ऑफ नॉन और डैक, पांच है तो पेंट, छह है तो हैक्स, सात है तो हैक, आठ है तो ऑफ, नौ है तो नॉन, और कार्बन परमाणु की संख्या दस है तो उसका पूर्व लग्न रहेगा डैक। इसको मैथ एट प्रॉप ब्यूट पेंट पेंट हैक्स हैक ऑफ नॉन डैक, अगर याद न रहे तो मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। MAP मैप को देखकर BP दो बार हैं HH और फिर ऑफ नॉन डैक, ये देखिए यहाँ पर, यहाँ से क्या नाम बनेगा अपने पास, मैप को देखकर। मैं कुछ ट्रिक लिखवा रहा हूँ पूर्व लग्न की, वो देख लो। मैप को देखकर जो BP है, मैप को देखकर BP दो बार हाई हुई एंड देख लो बारिश हो रही है आज, कितनी जबरदस्त बारिश हो रही है। तो यहाँ पे देखिए कि इसका पूर्व लग्न की अपन बात करें तो मैप मैथ एट प्रॉप, यहाँ सिर्फ कैपिटल लेटर के जो इंग्लिश हैं, इंग्लिश के जो कैपिटल लेटर है उसको लेना है। मैप मैथ एट प्रॉप को देखकर BP ब्यू पेंट दो बार, मतलब एच कितनी बार है अपने दो बार, हैक्स हैक एंड ऑफ नॉन डैक, इजी है ना। मैथ एट प्रॉप ब्यू पेंट हैक्स हैक दो बार, हैक्स हैक ऑफ नॉन डैक, मैप को देखकर BP दो बार हाई हुई एंड कुछ भी लगा लो आपको जिस जो अच्छा लगे वो वर्ड यूज़ कर लो। मैंने तो बहुत सारे किए थे, स्टूडेंट के ऊपर भी यूज़ किए थे, तो आपको जो अच्छा लगता है वो यूज़ कर लो। ये तो था पूर्व लग्न, मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ याद हो गई होगी और इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से याद कर भी सकते हो। ओके, उसके बाद अगर अपन बात करें अनुबंध की, तो मान लो सिंगल बॉन्ड हैं, एकल बंध हैं, तो फिर N लगेगा। अनुलग्न एकल बॉन्ड होने पर N लगेगा, और अगर द्विबंध हैं तो N लगेगा, और
त्रिबंध है या ट्रिपल बॉन्ड जिसे कह सकते हैं, तो लगेगा आयन। बस इनसे जैसे देखो मैथ एन मैथ है, एथ एन एथ है, मैथ के साथ में मैथिन, प्रोप के साथ में प्रोपाइन बन रहे ना, मैथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेक्टेन ऑक्टेन नॉनेन डेकेन। बस इतना ही तो था इजी, लेकिन कैसे करना है तो कुछ चीज़ें और बताऊंगा। तो मैं आशा करता हूं कि यहां इतना आपके समझ में आ गया होगा, ताकि अपन आगे बढ़ें। जैसे मान लो एल्केन, सबसे पहला है सिंगल बॉन्ड, एकल बॉन्ड की अगर बात करें उसका नाम है एल्केन। एल्केन का जो सामान्य सूत्र है वो रहेगा CN H2N+2 CN H2N+2। और एल्केन के अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, मतलब इसके अंदर कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है। IUPAC पद्धति से नामकरण करना है तो सबसे पहले कुछ एक बातों को मैं जैसे दोहरा कह रहा हूँ वैसे याद रखें। सबसे पहला काम है प्रतिस्थापक लंबी श्रृंखला का चुनाव करो, एक लंबी श्रृंखला का चुनाव करो। मैं कह रहा हूँ याद रखना, मैं अभी फॉर एग्जांपल समझा दूंगा तुम्हें। एक सर्वाधिक लंबी श्रृंखला का चुनाव करो, उस श्रृंखला के बाहर जो भी बचते हैं उनको अपन नाम देंगे प्रतिस्थापी। और सबसे पहले नाम लिखते वक्त सबसे पहले उन प्रतिस्थापियों का अंकन करेंगे। तो अपने लिए ये भी देखना जरूरी है कि वो प्रतिस्थापी कौन कौन से हैं। तो प्रतिस्थापी बहुत सारे हैं, कुछ एक मैं एग्जांपल तुम्हें लिखवाता हूँ। जैसे CH2+CH3, पहले मैं CH3 की बात करें तो मैथिन प्रतिस्थापी के पीछे इन लगेगा, ध्यान रखना प्रतिस्थापी के पीछे इन लगेगा। CH2CH3 एथिन, उसी प्रकार ये चलते रहेंगे BR ब्रोमो, आई से आयोडो, एफ से फ्लोरो, एन से नाइट्रो। ये कुछ एक प्रतिस्थापी हैं जो तुम्हारे बहुत ही काम आने वाली चीज़ें हैं। तो ये प्रतिस्थापी हैं। अब मैं तुम्हें कुछ एक प्रैक्टिकली नाम IUPAC पद्धति से लिख के बताता हूँ। आइए, ये प्रतिस्थापित है, मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि अब अपन आराम से नाम लिख पाए। यहाँ देखिए मैं नामकरण लिखना शुरू कर रहा हूँ। जैसे CCC कार्बन, देखिए यहाँ पर कितने लिए अपन ने, चार कार्बन है, 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4 क्या नाम हुआ, ब्यूट। आगे पूर्व लग्न लग जाएगा ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है ना, क्या नाम होगा, ब्यूटेन। पहले इसकी वैलेंसी पूरी कर देते हैं, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब ऐसा लिखा हुआ आता है तुम्हारे दिमाग में चलता है, अरे बाप रे ये क्या, ये कुछ नहीं है। देख लीजिए यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, चार कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है, चार कार्बन, मैच एथ प्रॉप ब्यूट, चार कार्बन आते ही दिमाग में आना चाहिए ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। बस नॉर्मल सी बात थी। उसी प्रकार मैं कुछ और लिखता हूँ, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अगर इसके नामकरण की बात करें कि इसका नामकरण सर क्या होगा, तो देख लीजिए मैथ एथ प्रॉप, मैथ एथ प्रॉप, और अपना नाम हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है तो प्रॉप, और सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए एन लगाते हैं, प्रॉप प्लस एन प्रॉप। तो इस प्रकार से अपन इनका नामकरण करेंगे। और अगर बात करें तो CH3 एक लंबी श्रृंखला वाली, CH2 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 CH3। अब इसका नाम, जैसे ये तो मैंने विस्तृत करके बता दिया तुम्हें, अगर इसका नामकरण की तुम्हें पूछे कि इसका नाम क्या होगा, तो देखिए कार्बन कितने हैं इसके अंदर, मैथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, पांच है ना, तो क्या नाम हो जाएगा,
पैंट और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड हैं तो एन लगेगा और नाम हो जाएगा अपने पास पैंट है। और अगर प्रतिस्थापी की बात करें कि सर प्रतिस्थापी कैसे यूज होंगे तो वो भी मैं बता देता हूँ। मान लो यहाँ पे हैं ब्रोमो और यहाँ है साथ में दिया हुआ आयोडो, तब फिर अपन इन प्रतिस्थापी का नामकरण कुछ इस तरह से करेंगे कि सबसे पहले अगर एक प्रतिस्थापी है सीधी सर्वाधिक लंबी श्रृंखला चुन लीजिए और जो आप प्रतिस्थापी आ रहे हैं नाम करो, लेकिन अपने पास दो प्रतिस्थापी हैं तो यहाँ से चलेंगे एक नंबर दो नंबर तीन नंबर चार और नंबर पाँच। अब कौन सा प्रतिस्थापी किस नंबर पे है वो भी अपने को लिखना है। देखिए ब्रोमो किस नंबर पे है, दो नंबर पे, तो लिखेंगे अपन दो ब्रोमो, मतलब दो नंबर पे है अपने पास ब्रोमो, तीन नंबर पे है आयोडो, दो ब्रोमो तीन आयोडो, तीन आयोडो, दो नंबर पे ब्रोमो तीन नंबर पे आयोडो, बाकी तो नाम है ये पेंटेन, बस तो इसका नाम हो जाएगा दो ब्रोमो तीन आयोडो पेंटेन। तो इस प्रकार से आपको नामकरण करने, मुझे आशा है कि मैंने जो चीज़ें आपको बताई है उन चीज़ें समझ में आई होगी और आप अच्छी तरह से IUPAC पद्धति से नामकरण कर पाओगे। फिर भी अगर कोई दिक्कतें रहती हैं या नहीं कर पाते हो तो आप मुझे कमेंट में लिख के दे सकते हो, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको रिप्लाई कर पाऊँ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।